नोएडा से खबर, जहां जेवर एयरपोर्ट निर्माण के काम में तेजी आई है। जेवर एयरपोर्ट पर पेड़ों की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। रनवे के बीच आ रहे पेड़ों को हटाया जा रहा है। हाईटेक मशीनों के मदद से ये पेड़ों की शिफ्टिंग की जा रही है। सबसे पहले एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट निर्माण का काम अब तेजी से चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर पेड़ों की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। नगला गणेशी गांव में पेड़ों को शिफ्ट किया जा रहा है। रनवे के बीच जो पेड़ आ रहे थे उनकी शिफ्टिंग ये हो रही है। सबसे पहले रनवे का निर्माण होना है और इस बीच जो पेड़ आ रहे हैं उन्हें अब शिफ्ट किया जा रहा है। हाईटेक मशीनों की मदद इन पेड़ों को हटाने के लिए की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पेड़ों को नुकसान ना हो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सबसे पहले रनवे की तैयारी है और इसी बीच जो पेड़ रास्ते में आए उन्हें शिफ्ट करने की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले एयरपोर्ट के रनवे का काम शुरू हुआ है। और अब बात करते हैं सोनभद्र की, जहां खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। यहां एक शख्स की जान आपत में आ गई। दरअसल अचानक से तेज आंधी बारिश की वजह से यहां एक कंटेनर अचानक से सोन नदी पर बने पुल पर लटक गया, जिसके बाद इस कंटेनर के ड्राइवर की जान बाल बाल बची। उसका पांव कंटेनर की स्टेयरिंग में फंस रहा था, जिसकी वजह से नदी में गिरने से वो बाल बाल बचा है। यह हादसा वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग सोन पुल का है, जहां पर इस हादसे की वजह से कई किलोमीटर का लंबा जाम भी लगा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य में जुटी। चौपन थाना क्षेत्र के सोन पुल की यह घटना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुल से ये कंटेनर लटका हुआ है और इसमें जो ड्राइवर था वो बाल बाल बचा है। जैसे ही यह हादसा हुआ आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की। पुलिस की मदद से इस व्यक्ति को बचाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक तेज आंधी की वजह से यह हादसा हुआ, कंटेनर अनियंत्रित हो गया और नदी के पुल पर देखिए किस तरह से ये लटका हुआ था। बमुश्किल इसमें फंसे हुए ड्राइवर की जान बचाई गई और आप देख सकते हैं जहां ड्राइवर के बैठने की जगह होती है पूरी तरह से वो पुल पर झुका हुआ है और ऐसे में बमुश्किल इस ड्राइवर को बचाया गया है। मौसम खराब हो गया, अचानक से तेज आंधी और बारिश होने लगी, जिस वजह से ये वाहन अनियंत्रित होकर पुल की तरफ लटक गया। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर में गुजरात एटीएस की छापेमारी को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किदवाई नगर इलाके में एक घर से एटीएस की टीम ने करोड़ों रुपए की हीरोइन बरामद की। खबर ये भी मिल रही है कि किदवाई नगर का एक युवक चुन्नू हैदर कुछ वक्त से दिल्ली में रह रहा था। उसकी निशानदेही पर ही हैदर के पड़ोस वाले घर से करोड़ों की हीरोइन बरामद की गई है। हालांकि अब गुजरात एटीएस की टीम हैदर और बरामद ड्रग्स को लेकर वापस लौट चुकी है। घर से करोड़ों की हेरोइन बरामद की गई है। गुजरात एटीएस ने ये छापेमारी की, जिसमें ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई और अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर और एटीएस के द्वारा इस हेरोइन को जब्त कर वापसी कर ली गई है। एक घर से ये करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की गई। भैया हमें तो पता नहीं, हमारा तो सिर्फ वो यूँ आई थी कि भाई हमारा घर बंदा, हमारा सामान रख लो। हमने कहा ठीक है भाई, पड़ोसी पड़ोसी काम आ गए। तो पहले से 20-25 साल से हमारे उनकी जान पहचान है। अब वो पुलिस आ गए, फिर उन्होंने पूछा हमसे आके, कहने लगे कि जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो जो सामान रख के गए थे हम वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। कि हमारा मकान बंदा है क्या इसमें ये तो बताओ हमें। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या क्या सामान है, क्या निकला। बस ये बात हुई, जो पुलिस वाला आ गए सारा सामान लेके चले गए।